जिंदगी में हम वो एक चीज खो चुके थे जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे। सब कुछ वैसा हो सकता है जैसा था, बस ये थोड़े दिन और जिगर में इतना तो जान गया जीने के लिए बस एक ही वजह काफी होती है। क्या ट्रिपल आर के बाद राधे श्याम की भी रिलीज डेट हो सकती है पोस्टपोन? क्या होने वाली है राधे श्याम की खास बातें, ये आपको प्यार की दुनिया में कैसे ले जाएगी? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जवाल। दोस्तों, कहा जा रहा था कि ट्रिपल आर पोस्टपोन नहीं होगी, लेकिन बड़ी खबर आई कि ट्रिपल आर को पोस्टपोन कर दिया गया और अब राधे श्याम जो कि 14 जनवरी को रिलीज होने वाली है, इस पर भी संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राधे श्याम 14 जनवरी 2022 को रिलीज होनी है, लेकिन अब कुछ तयासान ही लग रहा है। वही दोस्तों, आपको बता दें राधे श्याम में प्यार मोहब्बत की ही बातें होने वाली है और सीधे 10 साल बाद हमारे प्रभास प्यारे प्रभास यानी कि रोमांटिक प्रभास बनते हुए नजर आएंगे। वही दोस्तों, प्यार एक बहुत ही अलग एहसास होता है। प्यार का एहसास ही इतना खास है कि पतझड़ के मौसम में भी बहारों से ठंडक देता है और गर्मी की तपन भी बारिश की बूंदों से लगती है। बुरे हालात भी बुरे नहीं लगते और हर पल उसके साथ का एहसास आपको अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको प्यार होता है लेकिन आपको पता नहीं चल पाता है कि प्यार है या कुछ और। तो चलिए 5 बातें हम बता देते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप प्यार में हो या नहीं। तो दोस्तों, अगर आप बार बार किसी खास के ख्यालों में डूब जाते हैं और उसके बारे में ही सोचना आपको अच्छा लगता है तो आप प्यार में है मियाँ। आपको वो खास भी अगर यही महसूस कराता है तो दोनों तरफ से आग बराबर है। आप कहीं भी जाते हैं आपकी नजरें उसको ही ढूंढती है। आप चाहते हैं कि उसको हमेशा आप देखते रहे। आपका दिल हर पल उसके साथ रहना चाहता है क्योंकि आप उसे पसंद करते हैं। अगर आप कोई रोमांटिक फिल्म देखते हुए नायक और नायिका की जगह खुद को और अपने साथी को देखने लगते हैं तो बेशक आपकी मोहब्बत परवान चढ़ चुकी है और आप साथी से इस तरह की प्यार की उम्मीदें करते हैं। प्यार भले फिल्मी गाने या फिर शेर और शायरी में आप अपने उस खास साथी को महसूस करते हैं और उसे वो शायरी या गाना अपने दिल की बात की तरह सुनाना चाहते हैं तो आपको उससे मोहब्बत हो चुकी है। अगर किसी खास के सामने आते ही आप असहज महसूस करने लगते हैं, खुद को आईने में देखने लगते हैं या फिर बाल और कपड़े ठीक करने लगते हैं तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आप प्यार में हैं और आपको आकर्षित बने रहने का शौक चढ़ चुका है उसके सामने। तो दोस्तों, ये है प्यार की कुछ सिम्टम्स। अगर आपको ये महसूस हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप प्यार में हैं। वहीं राधे श्याम की बात करें तो 14 जनवरी 2022 का वो दिन है जब तय किया गया है, लेकिन कोई भी अपडेट सामने आएगी हम आपको बता देंगे। आप जुड़े रहें हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज के साथ।